अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का टूर जो है मीरपुर शहर, बहुत ही मशहूर शहर है पाकिस्तान का। यहाँ पे सारे लोग जो है फॉरनर, ज़्यादातर ब्रिटिश हैं, उसको मिनी यूके भी बोलते हैं। आज का वीलॉग है मीरपुर शहर का। यहाँ पे कुछ काम था मुझे, और साथ में यहाँ की सबसे मशहूर बेकरी है ये लफीज बेकर्स, तो इसका पिज़्ज़ा भी साथ में ट्राई करके चलते हैं। ये है जी, उधर तो पसीने तो रुक नहीं रहे। अभी ये जी, तो यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर किया है सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा और नमी स्पेशल पिज़्ज़ा। यहाँ पे भी कहते हैं इन्होंने डील चलाई हुई है, और डील क्या है कि 5 1 get 1 free। जो मुझे मैंने पहले एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो बंदा कहता है कि भाई दूसरा भी ऑर्डर कर ले, डील जा रही है। तो मैंने कहा चलो भाई दोनों कर। तो अभी 20 से 25 मिनट लगे पिज़्ज़ा लेके हम आगे की तरफ निकलते हैं। ये यहाँ का मीरपुर शहर का बेहतरीन पिज़्ज़ा है, सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा। तो यहाँ से जी मैंने उठाया एक जिंजर बियर, जो मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं पीता, लेकिन बियर पीता हूँ और जिंजर बियर पीता हूँ। और साथ में मैंने पेप्सी ली है, लेकिन पेप्सी सिर्फ मैंने जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए शुरुआत का पेप्सी का चल रहा है उसके लिए। यहाँ पर हमने किया जो भी सभी कर दिया। तो जी आजकल बड़े शोरों पे चलता है कि आपको जो भी पैसे बचे वो वापस नहीं करते, मतलब 2-3-4-5 हफ्ते, तो वो आपको कुछ ना कुछ काफ़ी या बबल गम उठा के देते हैं। और मुझे भी बबल गम देना है, देख रहा हूँ दे दें। और यहाँ से जी मैंने रास्ता पूछा है इसके लिए, कड़ी श्री जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता पूछा है। अब जी अगला टारगेट हमारा खड़ी शरीफ दरबार है। रास्ते में नहर के किनारे पे बैठ के पिज्जा वगैरह खाएंगे, फिर वापस मीरपुर आ गए, लेकिन तब तक रात हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, तो नहर के किनारे पे पहुँच जाए, यहाँ पे खाएंगे पिज़्ज़ा। और ये नहर जो ये मंगला डैम से निकलती है, मंगला डैम जो पीछे से दरिया जिलम आता है, और मंगला डैम में आके पानी स्टोर होता है, और वहाँ से ये नहर आके जाती है। ये जी नफीस का पिज़्ज़ा खोलने के छोटे पिज़्ज़े हैं, लेकिन पिज़्ज़ा बड़े मज़े के हैं। चीज़ से लपा लप अच्छा। इस पिज़्ज़े में एक और खास बात है कि जो नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस के साथ निकल रही है, जो उससे छोटा है 6 इंच बड़ा पिज़्ज़ा है, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो 7 इंच वाले से ज़्यादा है इन्होंने डाला हुआ है। ये जी नहर तो है दरिया जेहलम वाली, लेकिन इसमें पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, उसकी वजह कि ऊपर जो है डैम मंगला डैम
उसका पानी जो है बहुत कम हो चुका है, डेड लेवल पे पहुंच चुका है। इसकी वजह से सारा पानी गंदा आ रहा है, पानी उसमें बहुत कम हो चुका है। और यहाँ पे जी हमने नमाज़ असर अदा की, फिर दुआ फातिहा पढ़ी, और उसके बाद ये बाज़ार है जो मुंसलिक है खड़ी श्री दरबार पीर शाह गाजी दमड़ियाँ वाली सरकार के साथ। तो यहाँ पे मुझे एक स्टॉल नज़र आया जो मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। पहले तो मिट्टी के बर्तनों में हांडी वगैरह बनाई जाती थी, खाने भी इसमें खाए जाते थे, तो लोगों की सेहत भी अच्छी होती थी और इतनी बीमारियाँ भी नहीं फैलती थी। आजकल तो प्रेशर कुकर वगैरह 20 मिनट में खाना पका के तो साइड पर करो और बीमारियों को अपने जिस्म में दाखिल कर लो। ये जी आपको सबको पता है, ये देखिए मेरे सारे दोस्त जानते हैं मुझे पत्थरों का बड़ा शौक है, तो यहाँ से ज़मुर्द खरीदने के लिए भी आया हुआ। ये यहाँ बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर मिलते हैं। ये नीचे इनके पास ये कौन सा है जी? ये सुलमानिया की पड़ा हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा ज़मुर्द में भी 2-3 किस्म के किस्में होती हैं। ये जो मैंने उठाए हुए हैं अभी, ये जो पत्थर उठाया हुआ है ये ब्राज़ील का पत्थर है। ये ग्लेशियर से मतलब बर्फ में जो पत्थर निकलते हैं ये वो वाले पत्थर है, और ये आगे वाला जो ये तुरमलीन जो वादी कश्मीर का पत्थर है, और पीछे वाला ज़मुर्द है, और उसके साथ एक ग्लेशियर वाला ज़मुर्द है। ये वाला जो वादी स्वात हमारी बेहतरीन किस्म के पत्थर प्रोड्यूस करती है, ये ज़मुर्द वहाँ का ज़मुर्द है और ओरिजिनल है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मिलते रहें चलती हुई ज़िंदगी में। अल्लाह हाफिज़।